हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे? होप करता हूँ सारे लोग ठीक हो और भाई अपने अपने घरों के अंदर मौज ले रहे हो। लास्ट वीडियो पे तुमने क्या रिस्पांस दिखा दिया भाई, मजा आ गया। जितनी मेरे को उम्मीद थी ना कि सोरा के नाम पे इतने व्यूज आएंगे, जो भी था उससे ज्यादा ही तुम लोगों ने करके दिखा दिया। और भाई एक चीज मैं पहले क्लियर कर दूं कि अब से भाई सोरा के ऊपर कोई वीडियो नहीं आने वाली, मतलब आएगी वो बड़े लेवल पे आएगी, बाद में देखेंगे, पर उससे पहले कुछ जिहादियों के ऊपर आएगी, जो पत्थरबाजी के शौकीन हो रहे हैं उनके ऊपर आएगी अगली वीडियो। भाई देखो, अगली वीडियो की बात है, अगली वीडियो के अंदर ही होगी, बहुत कैडी आने वाली अगली वीडियो भी, पर उससे पहले आज हम बात करने वाले हैं रियल लाइफ के संजू बाबा की। 308 तक याद है, चलो आप सेफ्टी के लिए 350 लिख लो। बिल्कुल सही समझ रहे हो। आज मैं बात करने वाला हूँ अपने फेवरेट इंसान के बारे में। नहीं, आमिर माजिद के बाप के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात करने वाला हूँ हमारे अरमान मलिक भाई के बारे में। ये मैं हूँ, ये चीकू है और ये मेरी दोनों धर्म पत्नियां हैं। अरमान मलिक भाई फेमस है दो बीवियां रखने के लिए। अब तुम ये कमेंट मत करना, एलिश भाई देखो यार, तुम किसी की पर्सनल लाइफ पे ऐसे कमेंट कर रहे हो। नहीं भाई, सारी चीजें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, उन चीजों पे कमेंट करूंगा मैं, बिलो द बेल्ट नहीं जाऊंगा, पहले ही बता रहा हूं। और एक बात बताओ मेरे को, एक नॉर्मल आदमी शादी करता है उसको बोलते हैं कि भैया इसकी नॉर्मल शादी हो गई, किसी का डिवोर्स हो जाता है उसको बोलते हैं डिवोर्सी। मेरे को एक बात बताओ यार, एक मतलब दिल से बताना, एक आदमी जिसकी दो बीवियां होती है उसको क्या कहते हैं? मतलब कमेंट करके बता दो भाई, हमें तो पता नहीं। पता है ना आप सबको? नहीं पता है, कहाँ पता है। तो आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं, उन भाई का नाम है अरमान मलिक। खैर भाई का नाम पहले कुछ और था, पर प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं और क्या क्या कर लेते हैं, और क्या क्या ही कर लेते हैं। देखो योगी जी, क्या तो खुद पीएम बन जाओ, या फिर मोदी जी को बोलो कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आए, मैं परेशान हो गया हूँ, ये क्या सब चल रहा है। यादव जी ने जो बात एक कही है इसको होने दीजिए, समस्याओं का समाधान अपने आप होता हुआ दिखाई देगा, आप देखेंगे कि सभी चीजें आगे बढ़ेंगी। खैर भाई के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ये है अरमान मलिक, इनकी दो बीवियां हैं जिसके साथ ही रील्स बनाता है। भाई बिल्कुल सही समझ रहे हो, इसकी दो बीवियां हैं और उनके साथ ही रील्स बनाता है। अब लोग कमेंट करेंगे, भाई यार एक बात बताओ, लोग 14वीं बीवी से नोवा बच्चा करते हुए भी उसके लिए प्यार की निशानी बना देते हैं, ये भाई तो फिर भी रील्स बना रहा, तुझे क्या दिक्कत है? देखो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, अरमान भाई बहुत क्यूट क्यूट रील्स बनाते हैं अपने बच्चे के साथ और अपनी दो बीवियों के साथ। अरमान भाई मेरे को एक बात बताओ, तुमने कौन से व्रत रखे हैं यार? भाई कुछ भी कहो यार, माननी पड़ेगी। अरमान भाई कितने बड़े प्लेयर हैं, कितने बड़े खिलाड़ी हैं, ये सोचो ना यार, वो इंडियन मैरिज एक्ट और लॉज के साथ कितने बढ़िया तरीके से खेल गए। नमस्ते भाभी जी, सॉरी, नमस्ते भाभियों। हजारों से बातें नहीं करनी, हजारों बातें करनी है किसी एक से। खैर मैं आपको बताना चाहूंगा, अरमान भाई की जो दोनों बीवियां हैं उनमें आपस में बहुत ज्यादा प्यार है, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और मतलब साथ साथ रहती है तो ऑब्वियसली बात है प्यार होगा तीनों में। भाई मैं एक बात बताना चाहूंगा अरमान भाई, एक सुनना मेरी बात यार, जितना प्यार ये दोनों आपस में करते हैं, तुम इनमें से किसी एक से कर लेते ना, तुम्हारा घर क्या स्वर्ग बन जाता, क्या स्वर्ग बन जाता, तुम इज्जत से उठा के चलते अपनी आंखें। अब देखो भाई, ऐसा नहीं कि अरमान भाई सिर्फ रील बनाते हैं, अरमान भाई का एक यूट्यूब चैनल है और बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है, पर उस पे उसका रोस्ट करने, रोस्ट है मैं प्यार मोहब्बत से अरमान भाई को लव यू है भाई, सच्ची दिल से, कोई हेट नहीं कसम से। पर आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ फायदे की बात करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, मैं बात करना चाहता हूँ माई 11 सर्कल ऐप के बारे में। तो गाइस माई 11 सर्कल ऐप डाउनलोड कर लो, इसके अंदर आप अजिंक्य रहाणे, राशिद खान, दादा और वीवीएस लक्ष्मण जैसे लेजेंड्स के साथ खेल सकते हो। भाई इसको खेलना बहुत ज्यादा इजी है, तुम्हें कुछ भी नहीं करना भाई, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हें क्या करना है, 11 प्लेयर चूज करने, दोनों टीमों में से बढ़िया टीम बनानी है, और अगर तुम्हारी टीम ने हरा दिया वीवीएस लक्ष्मण भाई या फिर राशिद खान की टीम को, तो आपको मिलेगा 5 गुना एक्स्ट्रा कैश। इस बार फर्स्ट प्राइज है 5 करोड़ रुपए का, बिल्कुल सही सुन रहे हो भाई तुम, 5 करोड़ रुपए का। और ये ऐसा नहीं है कि भाई बहुत सारे लोगों में बटेगा कि पूल प्राइस है भाई, सिंगल बंदे का यार। और भाई ऐप डाउनलोड करते ही आपको मिलेगा 1500 रुपए का साइन अप बोनस, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है ना वो यूज कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना, वहां से जाओगे तो आपको मिलेगा पहली डिपॉजिट पे 20% एक्स्ट्रा कैश। और भाई पैसे की कोई दिक्कत नहीं, पैसा कमाते सीधा अपने बैंक में ट्रांसफर कर लेना, यूपीआई पेटीएम कुछ भी कर लेना, और यार कोई ना कोई रोज ही कमा रहा भाई, तुम भी ट्राई करो ना माई 11 सर्कल ऐप डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेले। नमस्कार गाइज, वेलकम बैक टू नो ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, संडे का दिन है, रात के बज गए 8 और बहुत दिन हो गए बाहर घूमे फिरे गए हुए कहीं भी, और फोटोशूट जो करेंगे वो है नितिन भाई। तो
बहुत ही मजा आने वाले लेकिन भाई बहुत ही मजा आने वाले लेकिन भाई। तो गाइस हम लोग बात कर रहे थे अरमान भाई के YouTube चैनल के बारे में। भाई इनका YouTube चैनल क्या चैनल है यार, इतना बड़ा YouTube चैनल 3 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, समझ लो 3 मिलियन। पर इससे पता क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि हिंदुस्तान के अंदर बच्चलन मर्दों की संख्या कितनी है। बहुत ही मजा आने वाले लेकिन भाई अरमान मलिक भाई जितनी भी वीडियोस अपने YouTube पर डालते हैं उन सब में लिखते हैं कि अरमान मलिक, मतलब टाइटल में बेसिकली अपना नाम लिखते हैं, क्योंकि जो उनकी बीवी को देखने वाली ऑडियंस है ना उनको पता रहना चाहिए कि अरमान मलिक का चैनल है यार। मुझे किसी से उम्मीद नहीं, ना कोई मुझसे उम्मीद रखे, मुझे किसी से उम्मीद नहीं ना कोई मुझसे उम्मीद रखे, मुझे खुद पर यकीन है, आप भी खुद पर यकीन रखें। अरमान मलिक भैया आपको एक बात बोलूं भाई, तुम जर्मन शेफर्ड पाल लो, तुम पाकिस्तानी पाल लो, तुम कोई भेड़ बकरी पाल लो यार, पर भैम तो मत पालो। इन भाई को ऐसा लगता है कि जितनी भी ऑडियंस आती है वो इनके यूट्यूब चैनल पे इन भाई को देखने आती है, इनका फिटनेस देखने आती है। भाई अगर ऐसा होता ना तो तुम्हारी बीवियों के तुमसे ज्यादा फॉलोअर नहीं होते यार। कभी औकात चेक करना हो तो बैंक बैलेंस चेक कर लेना। देखो जोक सपाट, अरमान भाई बहुत ज्यादा ट्राई करते हैं साहिल खान बनने का, मतलब सस्ता साहिल खान बनने का, पर वो बेचारे बन नहीं पाते, वो बात बेशक अलग है। तो गाइस हम करेंगे शुरू कार्डियो। कार्डियो में हम सबसे पहले क्या करेंगे, साइकिलिंग। साइकिलिंग हमें कम से कम 45 मिनट्स का कार्डियो जरूरी होता है, जिसमें आप कार्डियो, क्रॉस ट्रेनर, ट्रेडमिल तीनों कर सकते हो। अरमान मलिक भाई को फिटनेस की इतनी ज्यादा नॉलेज है, समझ रहे हो, इतनी किताबें पढ़ ली, इतनी ज्यादा नॉलेज है उनको, इसलिए वो अपने 5-6 साल के छोटे बच्चे से जिम लगवाता है यार। तो नहीं बदनाम है भाई, असली फैमिली के नाम पे मिल्क तो ये कर रहा। अब लोग बोलेंगे भाई इंडिया में कुछ नया आ रहा है तो इसको सपोर्ट करो ना यार, इंडिया में देखो अरमान भाई दो बीवियों का कंसेप्ट ले गया, इसको सपोर्ट करो। चलो अरे भाई ये कंसेप्ट अफगानिस्तान में बहुत पहले आ चुका है, उनके जो भी रिश्तेदार बैठे ना यहाँ पे हमारे इंडिया में वो ये सब चीजें करते हैं और कुछ नया नहीं है, समझ रहे, कुछ नया नहीं। और भाई मेरे प्यारे संदीप भाई, ओ सॉरी अरमान मलिक भाई, देखो यार मेरे को कोई हेट नहीं है भाई तुमसे, कोई हेट नहीं है ना कोई जलन है, मेरा काम है मजे लेना भाई। आपको मेरी तरफ से राम राम, भाभियों को भी मेरी तरफ से जय श्री राम, और भाई खूब मौज लो, तुम खुश हो ना भाई, तुम खुश हो ना, तुम खुश रहो यार, मौज लो, हमारा काम है मजे लेना, इसलिए अपने दिल पे मत लेना। और मेरी जितनी भी ऑडियंस देख रही है प्लीज किसी को गाली गलोच मत करना, वीडियो को खत्म करते हैं। और भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सारी चीज कर देना। अगली वीडियो बता दूं किस पे आ रही है, तुम्हें पता है मैंने शुरू में नाम ले दिया था, उसी के ऊपर आ रही है, ढंग से करेंगे इन पत्थरबाजों का इलाज, ढंग से करेंगे। तब तक वीडियो को शेयर कम समझ रहा हूँ, कुछ भी कर दो, कुछ भी कर दो। और भाई माई इलेवन सर्कल ऐप डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। हिंदू भाइयों शेर बनो, जवाब दो, ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो। चाके भी ना बैठ सकदे उन यारा के बीच में, या जवानी निकल दे जावे टुकड़ा की खींचम खींच में, दिल चावे से यो चावे से माँ के आँचल में।